हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीएवी मेड सिंपल। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन आवर एवीएम यूनिट मॉड्यूल ए यूनिट नंबर 3। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यूज, हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दोस्तों। किस टॉपिक पे? तो टॉपिक है अपना मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो हम लोगों ने इसके बेसिस पे थ्योरी डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस थ्योरी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो जिन लोगों ने इसके थ्योरी टॉपिक को नहीं देखा है, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में अभी आपको एक लिंक मिल जाएगा, इसके थ्योरी को एक बार देखिए, वहाँ से कंसेप्ट को समझिए। और आइए हम लोग फिर एक एक करके यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपने मेरा ये लेसन देखा होगा, इसका थ्योरी लेसन देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस एमसीक्यू सेशन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट द टर्म नैरो मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नैरो मनी। तो नैरो मनी के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप बताइए नैरो मनी क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हमारा नैरो मनी होता है उसका लिक्विडिटी सबसे कम होता है, ठीक है दोस्तों। नैरो मनी का लिक्विडिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। तो नैरो मनी में क्या क्या आता है, पहला ऑप्शन कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, दूसरा ऑप्शन कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, थर्ड कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट, चौथा कर रहा है करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो दोस्तों, नैरो मनी का दूसरा नाम है अपना M1। M1 को ही हम लोग नैरो मनी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। तो आप बताओ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लिक्विडिटी है क्या? बिल्कुल नहीं लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो होगा नहीं। और दोस्तों, इसमें डिमांड डिपॉजिट जो है वो लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में डिमांड डिपॉजिट कहीं लिखा ही नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक और टर्म है अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी जो अदर डिपॉजिट्स हैं RBI के साथ, ये भी हमारे M1 के पार्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्यों ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो मनी होते हैं उसके कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं और कुछ सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। सो मनी हैज बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शन। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? सो यू नो, द फर्स्ट ऑप्शन इज द स्टोर ऑफ द वैल्यू फंक्शन, द सेकंड ऑप्शन इज द मीडियम ऑफ द एक्सचेंज फंक्शन। देखिए, ये वैल्यू फंक्शन है, ये कीवर्ड है स्टोर, यहाँ पे है मीडियम, एंड द थर्ड ऑप्शन इज यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज सेविंग फंक्शन। तो फ्रेंड्स, आपको जहाँ तक मैंने मनी के बारे में बताया था, तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन आते हैं, एक होते हैं दोस्तों मीडियम, ये मैंने अपने थ्योरी लेसन में समझा चुका हूँ दोस्तों, और एक होते हैं हमारे मेजर। तो दोस्तों, मनी जो है वो मीडियम है किस चीज़ का? तो एक्सचेंज का मीडियम है, ठीक है। और मनी जो है वो मेजर है किस चीज़ का? तो वैल्यू का मेजर है, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप जरा देखिए ऑप्शन को, पहला कह रहा है कि द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, दूसरा कह रहा है कि द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, तीसरा कह रहा है कि द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन। तो सी और डी तो नहीं होगा, ठीक है, बी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ में आया क्यों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है? ए भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, ए में आपका कह रहा है कि स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन, नॉट ए स्टोर, ठीक है। स्टोर होता है दोस्तों वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन है मनी का, ठीक है, मैंने समझाया है दोस्तों। लेकिन जो हमारा प्राइमरी है वो दो ही है, याद रखिएगा, एम और एम, मीडियम एंड मेजर। मीडियम किस चीज़ का? एक्सचेंज का। और मेजर किस चीज़ का? वैल्यू का, ठीक है। ये तो ही आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ मैंने अपने थ्योरी लेसन में अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग, पिक आउट द ऑड वन। तो दोस्तों, क्या कर रहा है कि मनी वैसा चीज़ है जो कि इसे परफॉर्म करता है, आपको ऑड वन को पिक करना है, यानी कि गलत कौन सा है, यानी मनी का फंक्शन पूछा गया है। तो पहला कर रहा है मेजर ऑफ वैल्यू, दूसरा कर रहा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देखिए मेजर कीवर्ड है, मीडियम कीवर्ड है, थर्ड कर रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, और चौथा कर रहा है मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि मनी का चार फंक्शन होता है, पहला है मीडियम, ठीक है, दूसरा है दोस्तों मेजर, ठीक है, तीसरा है दोस्तों स्टोर, और चौथा है दोस्तों स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये चार फंक्शन याद रखिएगा, इसमें जो पहला दो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है, और जो लास्ट दो फंक्शन है वो सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, तो आपको यहाँ पे तो अलग से नहीं पूछा गया कि प्राइमरी क्या है सेकेंडरी, आपको ऑड वन पिक करना है। तो पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, लेकिन जो मेजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये गलत है, तो आपसे क्या इनकरेक्ट है, ऑड वन पूछ रहा है, तो ऑड वन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका थर्ड का, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई का डेफिनेशन मैंने बताया था दोस्तों, मनी सप्लाई का क्या मतलब है।
तो दोस्तों मनी सप्लाई के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज़ टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है दोस्तों। क्या है ये बेसिकली होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, यानी बैंक में जो मनी का अमाउंट है वो, द अमाउंट ऑफ मनी विद द पीपल एंड द अमाउंट ऑफ मनी इन द सर्कुलेशन इन इकोनॉमी। तो दोस्तों बताइए क्या होगा, थर्ड आंसर सही है। अब देखिए टोटल स्टॉक ऑफ मनी जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर कौन कौन सा पैसा आता है वो जरा देखिए। तो सबसे पहला आता है दोस्तों पब्लिक, यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा है, ठीक है, वो तो लेना ही हमें, प्लस जो RBI के पास पैसा है और प्लस जो गवर्नमेंट के पास पैसा है। तो ये यही तीनों पैसा होते हैं जो कि हमारे यही तीनों सर्कुलेट होते हैं हमारे इकोनॉमी में, ठीक है। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी को ही हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं, और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1 गलत है क्योंकि खाली अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक लिखा हुआ है, दूसरा गलत है खाली अमाउंट ऑफ मनी इन द पीपल लिखा हुआ है, लेकिन तीसरा सही है कि सर्कुलेशन इन इकोनॉमी लिखा हुआ है, इसमें सभी चीज़ इंक्लूडेड हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 5, अंडर मनी सप्लाई। तो दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अंडर मनी सप्लाई कंसेप्ट द टर्म ब्रॉड मनी, यहाँ पे देखिए ब्रॉड मनी के बारे में पूछा गया है। ब्रॉड मनी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए करेंसी विद पब्लिक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ऑप्शन बी करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ऑप्शन सी करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ऑप्शन डी करेंसी विद पब्लिक प्लस बैंक डिमांड बैंक डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। तो दोस्तों जहाँ तक बात है अपने ब्रॉड मनी, तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि ये जो ब्रॉड मनी होते हैं तो ये लेस लिक्विडिटी होते हैं, दिस इज लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू नैरो मनी, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी कम होती है। और ब्रॉड मनी का दूसरा नाम आपको पता होगा दोस्तों, ब्रॉड मनी को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताइए, ब्रॉड मनी का दूसरा नाम है दोस्तों M3, ठीक है। तो ब्रॉड मनी को हम लोग M3 भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रॉड मनी के अंदर क्या क्या आता है। तो बताइए दोस्तों हमारा M3 में क्या होता है कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक होता है, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। तो आप देखिए क्योंकि ये जो टाइम डिपॉजिट का कंपोनेंट आ जाता है दोस्तों, इस टाइम डिपॉजिट के कारण ही अपना क्या होता है कि अपना लिक्विडिटी कम हो जाता है, ठीक है, दिस इज लेस लिक्विड। सो दिस टाइम डिपॉजिट के कारण क्या होता है, टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपका FD वगैरह हो गया, ठीक है, RD हो गया, ये टाइम डिपॉजिट है। तो टाइम डिपॉजिट क्या करता है कि लिक्विडिटी कम कर देता है, इसीलिए इसे हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। तो ब्रॉड मनी बेसिकली क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब M1 में क्या क्या आता है, तो M1 में मैंने बताया था डिमांड डिपॉजिट आता है, करेंसी विद पब्लिक आता है। तो देखिए किस में टाइम डिपॉजिट नहीं है वो आंसर सही होगा, वही हो। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, इसमें टाइम डिपॉजिट लिखा है क्या, नहीं लिखा है तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें ये तो हमारा नैरो मनी का कंसेप्ट है तो ये भी नहीं होगा, लेकिन तीसरा में देखिए लिखा हुआ है टाइम डिपॉजिट, ठीक है, तो ये सही होगा। और चौथा में भी कहीं नहीं लिखा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट लिखा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ए बी और डी गलत है, ठीक है। तो समझ में आया कि ब्रॉड मनी में क्या इंक्लूड करना है, हमें टाइम डिपॉजिट इंक्लूड करना है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर मॉनिटर्ड इन RBI। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, आपके सामने आपको पता है ना M1, M2, M3, M4 ये चार मनी सप्लाई इंडिकेटर हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इंडिकेटर है ये पूछा गया है दोस्तों आपसे, बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है अपना M3, ठीक है। तो ये M3 हमारा ब्रॉड मनी है और M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। इसके अंदर अपना क्या आता है, M1 आता है प्लस टाइम डिपॉजिट आता है, ठीक है। तो ये आपसे याद है, ये ध्यान रखना है, ये बुक में आपके दे रखा है मैकमिलन बुक में कि सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मनी सप्लाई इंडिकेटर जो RBI मॉनिटर करती है वो है अपना M3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन्फ्लेशन का मीनिंग आपको समझ में आएगा, क्या इन्फ्लेशन का मतलब समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट वुड एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड मींस, मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रहा है तो आप उससे क्या समझते हैं, क्या इन्फ्लेशन में कोई फर्क पड़ेगा या मनी सप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ेगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि इन्फ्लेशन हमारा घटेगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि मनी सप्लाई का ग्रोथ होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि मनी सप्लाई का ड्रॉप होगा। अब बताइए दोस्तों क्या सही होगा इसमें। यदि मान लीजिए कि किसी गुड्स का डिमांड आपका बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, तो किसी गुड्स का डिमांड यदि आपका बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन क्या डिमांड से के द्वारा इफेक्ट होती है क्या। तो दोस्तों अभी मैं आपको काउज ऑफ इन्फ्लेशन बताऊंगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड भी उसे इफेक्ट करती है, ठीक है।
तो यदि मान लीजिए कि एक होता है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मैंने आपको समझाया भी था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में मैंने क्या बताया था कि यदि हमारा डिमांड बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है गुड्स और सर्विस का, तो उस केस में हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे व्हाट विल इंक्रीज इन द डिमांड्स फॉर गुड्स इन गेट, तो इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा मनी सप्लाई ग्रोथ हो रहा है। सो इट इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर सी, इट इंडिकेट्स द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड इन कोर्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड, तो एक साल में कितना बार मनी जो है हैंड को चेंज करता है, ठीक है, ये किसी भी ईयर के कोर्स में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं या परचेसिंग पावर ऑफ मनी कहते हैं या वेलोसिटी ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी। तो दोस्तों एक टर्म है वेलोसिटी ऑफ मनी, ये मैंने समझाया था दोस्तों वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ मनी यही है जो चीज़ जो कि यहाँ पे मैंने बताया है। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है दोस्तों कि इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी विथ विच अ यूनिट ऑफ करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर परचेसिंग द गुड, यानी कि नंबर ऑफ टाइम मनी मूवमेंट इज देयर। क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर, नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर, ठीक है। तो मनी मूवमेंट इज देयर फ्रॉम वन ऑफ द एंटिटी टू अदर एंटिटी, तो इसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो आपसे यही पूछा तो गया है कि नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड इन द कोर्स ऑफ ईयर, तो उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी करेक्ट है, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ मनी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टाइम्स मनी मूवमेंट इज देयर, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मनी वेलोसिटी ऑफ मनी का मीनिंग क्या है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इफ द पब्लिक, देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ द पब्लिक फाइंड्स वे ऑफ मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी परफॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन देन बिफोर। अब देखिए अमाउंट ऑफ मनी उतना ही है, जैसे मान लीजिए कि 10,000 रुपया है, तो द अमाउंट तो 10,000 ही रह रहा है लेकिन ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, इसका क्या मीनिंग हुआ। पहला ऑप्शन द डिमांड फॉर मनी मस्ट हैव रिजन, यानी डिमांड बढ़ गया होगा। दूसरा ऑप्शन वेलोसिटी बढ़ गया होगा। तीसरा ऑप्शन इनकम एंड प्राइसेस बढ़ गया होगा। चौथा ऑप्शन मनी सप्लाई बढ़ गया होगा। अब दोस्तों बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों जहाँ तक बात है कि अमाउंट ऑफ मनी वही है, ठीक है, हमारा जो मनी का अमाउंट है, मनी जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, लेकिन ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गया है। तो ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो गया यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है। और अभी मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि कितना बार मनी मूवमेंट हो रहा है एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या कहते हैं दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ मनी। तो आप इस केस में देख सकते हो इसका मीनिंग यदि समझना है तो आप समझो ऐसे कि यदि मान लीजिए कि सेम अमाउंट ऑफ मनी है लेकिन वो ट्रांजेक्शन ज़्यादा बार कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है हमारा वो बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके डिमांड नहीं बढ़ेगा, ऑप्शन ए गलत है, इनकम एंड प्राइस भी नहीं बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो हमारा वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक यूजिंग दिस क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ मनी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज द फैक्ट दैट यूजिंग मनी अवॉइड्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नेसेसरी इन द बार्टर इकोनॉमी इलस्ट्रेट विच फंड्स ऑफ मनी। आप देखिए यहाँ पे फंड्स ऑफ मनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था ना आपको चार फंक्शन था, एम एम एस एस, एम से होता था मीडियम, दूसरे एम से होता था मेजर, तीसरे एम से होता था स्टोर और चौथे एम से होता था स्टैंड, चौथे एस से होता था स्टैंडर्ड। तो आपसे ये पूछ रहा है कि मनी अवॉइड्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तो ये कौन से मनी के फंक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है। पहला है यूनिट ऑफ मनी, दूसरा है क्या है दोस्तों, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरा क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा क्या है सोर्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए आप समझिए बात को, ये जो है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट को शो कर रहा है कि मनी जो है आपका वो वैल्यू का मेजर कर रहा है। पहले के जमाने में आपको पता है ना बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो आपको यदि आपके पास यदि मान लीजिए कि आपके पास एप्पल्स है, ठीक है, और दूसरे के पास मान लीजिए कि राइस है, तो आप क्या करते थे, एप्पल्स को उसको देते थे, राइस आप उससे लेते थे, तो यही होता था हमारा बार्टर सिस्टम। लेकिन अब क्या हुआ, अब मनी बीच में आ गया, आप मनी देकर एप्पल खरीद मनी को एप्पल बेचकर मनी ले रहे हो और उसी मनी से आप राइस खरीद रहे हो, तो ये हमारा अभी का सिस्टम है। तो ये जो है इलस्ट्रेट करता है कि मनी जो है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है, या इसे बुक के हिसाब से कहा जाए तो मेजर ऑफ वैल्यू है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब $25,000 प्राइस टैग ऑन न्यू कार इज एन एग्जांपल ऑफ मनी एज,
हाँ अब देखिए, एक नया सा कार है उस पर $25,000 का प्राइस टैग है। तो ये प्राइस टैग मनी के किस फंक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है? टाइम डिपॉजिट को, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, स्टोर ऑफ वैल्यू को और यूनिट ऑफ अकाउंट को। बताइए दोस्तों कौन सा फंक्शन होगा? तो साफ साफ है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है कि मनी इज आवर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि इसी पैसा के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं इस आइटम को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू मनी व्हेन इट सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो क्या कर रहा है कि जब मनी आपका स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन सर्व कर रहा है तो इनमें से कौन सा केस अप्लाई होगा? मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट इज एन एग्रीड मेजर ऑफ फॉर स्टेटिंग गुड्स प्राइस। द मोर स्टेबल मनी इज वैल्यू द बेटर इट सर्व द स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हेन मनी सर्व्स एज स्टोर ऑफ वैल्यू इट रिक्वायर्स अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, तो थर्ड तो होगा नहीं। थर्ड अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना, आप देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने कोइंसिडेंस वाला देखा था तो यूनिट ऑफ अकाउंट था, स्टोर से मतलब नहीं था। ठीक है, तो थर्ड तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है कि मनी स्टोर ऑफ वैल्यू इसलिए है क्योंकि एग्रीड मेजर है फॉर स्टेटिंग गुड्स प्राइस। ठीक है, यही एक मेजर है जिसके थ्रू हम लोग गुड्स के प्राइस को स्टेट कर सकते हैं। सो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, सो ए विल इज द करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इज $9 मिलियन। ठीक है, देखिए मनी का क्वांटिटी दे रखा है हमारे इकोनॉमी में $9 मिलियन और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन दे रखा है 3, तो आपको नॉमिनल जीडीपी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ मनी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको हर एक तरह का क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास है कि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच एवर कैन बी आस्क इन योर सीआईबी एग्जामिनेशन आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ मनी। सो वेलोसिटी ऑफ मनी इज व्हाट मैंने बता दिया कि बेसिकली ये होता है कि हमारा जो मनी है वो कितना बार उसका फ्रीक्वेंसी क्या है मूवमेंट का। तो वेलोसिटी ऑफ मनी का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है कि हम लोग न्यूमरेटर में नॉमिनल जीडीपी को लिखते हैं। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को लिखते हैं और डिनोमिनेटर में दोस्तों हम लोग लिखते हैं मनी सप्लाई को। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द क्वांटिटी ऑफ मनी इन इकोनॉमी। ठीक है, तो मनी सप्लाई दे रखा है ना, मनी सप्लाई कितना है, $9 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन यानी वेलोसिटी ऑफ मनी दे रखा है 3, आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछा गया है। तो दोस्तों नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालिएगा बताइए, तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाइड बाय मनी सप्लाई, यही तो होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय मनी सप्लाई। तो आप क्या करेंगे, 3, वेलोसिटी ऑफ मनी कितना है 3 और हमारा मनी सप्लाई कितना है $9, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। तो दोस्तों $27 मिलियन हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो 13 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारा एक केस स्टडी है। सो वी विल सो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 विल बी बेस्ड ऑन द सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारा जो मेजर ऑफ मनी होता है उसमें बैंक डिपॉजिट भी इंक्लूडेड होता है विथ RBI, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम होता ही है और टर्म डिपॉजिट भी होता है उसमें, करेंसी विद पब्लिक होता है और M0, M1, M2, M3 के रूप में इसे शो करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लायबिलिटीज सच एज करंट डिपॉजिट डिमांड लायबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक, मार्जिन हेल्ड इन अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी, बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। अब ये सब जो चीज़ लिखा गया है किसके अंदर इंक्लूडेड है, M0, M1, M2, M3 किसके अंदर इंक्लूडेड है बताइए। तो दोस्तों देखिए ये सब हमारे लायबिलिटीज़ होते हैं, करंट डिपॉजिट, डिमांड लायबिलिटीज़, मार्जिन हेल्ड अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे आपका जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसका ये पार्ट्स है। किसका पार्ट है दोस्तों, डिमांड डिपॉजिट का ये पार्ट है। तो क्या क्या है, तो सबसे पहला है अपना करंट डिपॉजिट। ठीक है, ये देखिए करंट डिपॉजिट है। उसके बाद दूसरा है अपना डिमांड लायबिलिटीज पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक, तीसरा है अपना मार्जिन हेल्ड इन अगेंस्ट LC और बैंक गारंटी, और चौथा है अपना बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये सभी के सभी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं। और आपको पता है दोस्तों डिमांड डिपॉजिट जो भी आएगा तो किसका पार्ट होगा, तो M0 का होगा क्या, M0 तो हमारा रिजर्व होता है। ठीक है, वो हमारा M1 का पार्ट होगा, तो हमारा किसका होगा दोस्तों, M1 का पार्ट होगा। ठीक है, तो इनिशियली इसे इंक्लूड किया गया M1 में क्योंकि M1 का जो फॉर्मूला, M1 हमारा नैरो मनी होता है और नैरो मनी में हमारा क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट आता है। ठीक है, सो ऑप्शन आई थिंक बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, सो ओके, आपको समझ में आया बी आंसर क्यों सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर इंक्लूडेड इन। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिमांड डिपॉजिट किसके किसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया था, याद है आपको,
आपको याद होगा कि जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है, देखिए मैंने आपको इस चीज़ को समझाया था। देखिए ऐसे मैंने चार्ट बनाया था ना, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने M1 लिखा था, M2 लिखा था, M3 लिखा था, M4 लिखा था, और यहाँ पे मैंने लिखा था दोस्तों कासा। यदि आपको नहीं याद है तो आप वहाँ जाके देखिए पिछले लेसन को, वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है FD+RD, ठीक है, FD+RD, और ये कासा लिखा था, FD+RD लिखा था, और मनी इन हैंड तो है। तो ये जो कासा है दोस्तों वो हमारा चारों का पार्ट है, M1 में भी आता है, M2 में भी आता है, M3 में भी आता है, और M4 में भी आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे होते हैं तो हमारा लिक्विडिटी क्या होता है, घटते जाता है। तो कासा ही तो है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, ये FD+RD तो हमारा टाइम डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो कासा जो है M1 में भी है, M2 में भी है, M3 में भी है, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ओके, ABC आर रॉन्ग, सो डी विल बी द करेक्ट। वेट, यहाँ पे क्या है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, वेट यहाँ पे एक मिस्टेक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, दोस्तों यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक कर रहा है तो सही है, हम अपना डी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसे आप सही कर लें, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यहाँ पे ए ना होकर क्या होगा, डी, क्योंकि M3 में हमारा M1 भी तो आता है, ठीक है, M3 में हमारा M1 भी आता है, और M1 के अंदर हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट सभी के अंदर इंक्लूडेड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर इंक्लूडेड इन। अब दोस्तों टर्म डिपॉजिट अभी मैंने बताया ना, आपका जो FD+RD है यही हमारा टर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि आप M1, M2, M3 लिखोगे, ठीक है, और M4, तो टर्म डिपॉजिट्स का जहाँ तक बात है तो टर्म डिपॉजिट किस में आएगा बताइए। FD+RD जो है वो बहुत कम ही लिक्विडिटी होता है, तो M1 में तो आएगा नहीं, M2 में भी आएगा नहीं, M3 में आएगा, ठीक है, और M4 में भी आएगा, सो M3 एंड M4 में इंक्लूडेड है। सो आप जरा ऑप्शन को देखिए, टर्म डिपॉजिट्स इसका आंसर दे रखा है हमें सी। यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों, M2 में तो टर्म डिपॉजिट नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे एक इसे करेक्ट कर लीजिए, इसमें ऑप्शन एक और ऑप्शन लगा लीजिए, ई नंबर ऑप्शन, ठीक है, मैं ई ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, वनली थ्री, ठीक है, ई नंबर सही होगा। केवल और केवल टर्म डिपॉजिट जो होता है वो M3 का पार्ट होता है, M1 में नहीं आएगा, M2 में नहीं आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट। तो इसे आप लोग सही कर लेते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये गलत है, सी नहीं होगा, ई होगा, ठीक है, वनली M3, ठीक है, केवल M3 में आता है, और M4 रहता तो उसमें भी आता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इंटरेस्ट फ्री फंड एंड इज द मोस्ट लिक्विड, ये कीवर्ड है, मोस्ट लिक्विड पार्ट ऑफ द मनी सप्लाई। अब देखिए मोस्ट लिक्विड जब कह दिया है तो आप बताइए M0, M1, M2, M3 में सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सा है, तो M0 सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है। M0 पता है ना आपको, M0 क्या होता है, M0 के बारे में मैंने बताया है दोस्तों, M0 हमारा रिजर्व फंड्स होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं आपको M0 के बारे में, M0 दोस्तों हमारा मोस्ट लिक्विड फंड होता है, ठीक है, तो वो हमारा रिजर्व्स होता है, RBI के पास जो रिजर्व जमा होता है वो होता है, उसके अंदर हमारा CRR, SLR ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लस जो RBI के पास जो मनी डिपॉजिट्स है, ये अदर डिपॉजिट विद RBI ये आते हैं, तो ये हमारे M0 के पार्ट हैं, और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पार्ट यही है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो आपका लिक्विडिटी जो है वो घटेगा, ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है घटता है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या होता है बढ़ता है, तो इसीलिए M0 इज़ द मोस्ट लिक्विड, M1 देन आफ्टर देन M2 देन M3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्या कर रहा है कि जो बैंक के साथ जो डिमांड डिपॉजिट होता है इसके अंदर लाइबिलिटीज आते हैं जो कि पेबल होते हैं डिमांड पे, और इनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो करंट डिपॉजिट आएगा, डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग बैंक आएगा, मार्जिन हेल्ड सेकंड LC आएगा, गारंटी आएगा, ये भी आएगा, बैलेंस इन ओवरड्यू, फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, कम्युलेटिव रिक्वरिंग, दोस्तों ये सभी के सभी आते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी हमारे डिमांड डिपॉजिट के ही पार्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए एक हमारा एक MCQs बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपसे ब्रूड मनी कैलकुलेट करने को कहा गया है। ब्रूड मनी समझते हो ना आप, ब्रूड मनी क्या होता है बताइए, तो ब्रूड मनी होता है दोस्तों हमारा M3, ठीक है, आपको करेंसी विद पब्लिक दे रखा है कितना, 1,00,000 दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम दे रखा है 2,00,000, अदर डिपॉजिट विद RBI दे रखा है 2,00,000, सेविंग डिपॉजिट और पोस्ट सेविंग बैंक दे रखा है 40,000, टाइम डिपॉजिट दे रखा है 2,00,000, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इंक्लूडिंग 40,000 ऑफ NSE टोटल दे रखा है 1,00,000।
तो आपसे क्या पूछा गया है, एम थ्री निकालना है। पहले एम थ्री का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। एम थ्री का फॉर्मूला होता है एम वन प्लस टाइम डिपोजिट। तो पहले आप एम वन निकालिए, और टाइम डिपोजिट तो आपको दे ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाइम डिपोजिट दे रखा है 2 लाख, 2 लाख तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन एम वन निकालिएगा ना। और एम वन निकालने के लिए 3 चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ चाहिए बताइए। पब्लिक के पास जो करेंसी है वो चाहिए, प्लस क्या चाहिए बताइए, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम चाहिए, और प्लस क्या चाहिए, अदर डिपॉजिट आरबीआई चाहिए। आप देखते हैं हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। आइए दोस्तों इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग M1 निकालेंगे। M1 कैसे निकालेंगे, तो M1 निकालेंगे करेंसी विद पब्लिक कितना है 1 लाख, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक कितना है 2 लाख, और प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई कितना है 2 लाख। आप दोस्तों इसे पहले एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, और तब मेरे आंसर से मिलाइए, नहीं तो आप यही सब एग्जाम में गलती कर बैठोगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई योर सेल्फ, आप अपना आप खुद से ट्राई करो दोस्तों, और फिर यदि नहीं समझ में आता है तब मेरे आंसर से मिलाओ, ये बेस्ट तरीका है। चलिए होपफुली आप लोग ट्राई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप देखोगे वैल्यू को प्लग करने पर हमारा M1 आ जाएगा, M1 आप निकाल सकते हो, M1 आ जाएगा 5 लाख। देखिए ना, 1 लाख 2 लाख और 2 लाख जोड़िए ना कितना होगा, 5 लाख होगा। M2 यदि मान लो निकालना होता तो M2 क्या होता है, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो कि 40,000 है NSC, ठीक है। और M3 निकालना है तो क्या, ब्रोड मनी तो निकालना है, यानी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, तो 5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा 7 लाख। तो 7 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में M4 कितना होगा, आपसे M4 पूछ लिया गया। तो M4 होता क्या है बताओ, तो M4 होता है हमारा M3 ले लो, और उसमें आप जोड़ दो क्या, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी ऑल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, ठीक है। तो इसमें NSC भी इंक्लूडेड है, सॉरी NSC एक्सक्लूडेड है, ध्यान दीजिएगा, माइनस NSC जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है उसे हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। यही तो क्वेश्चन में देखना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं, ठीक है। एक एक देखिए मैकुलन बुक में एक एक लाइन का महत्व है, ठीक है, इसी को नोटिस कीजिए। NSC आपको घटाना है, ठीक है। तो दोस्तों आइए इसे सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। M3 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकला है M3, 7 लाख, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने फॉर्मूला बता दिया, तो M3 है 7 लाख, तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस कितना है 1 लाख है, लेकिन इसमें से 40,000 NSC है, तो उसे आप घटा दोगे, तो 40,000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 60,000 बचेगा। तो 7 लाख में से 60,000 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7,60,000, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप कंसेप्चुअली क्लियर रखिए कि जब हमसे M4 पूछा जाएगा तो M3 तो लेंगे, लेकिन उसमें से प्लस उसमें से पोस्ट ऑफिस भी लेंगे, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, NSC को छोड़कर। ये की पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। केस स्टडी आपसे गलती इसी कारण से होता है क्योंकि आपको ये फंडामेंटल चीज़ें नहीं पता होती हैं। सो यू शुड नो दैट NSC इज़ टू बी डेबिटेड, NSC इज़ टू बी रिड्यूस्ड, NSC इज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग M4। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपको समझ में आया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए M4 दे रखा है 7.5 करोड़, ठीक है, सॉरी 75,000 करोड़, ठीक है, 7,50,000 करोड़ है। फिर M1 दे रखा है 4 लाख करोड़, करेंसी विद पब्लिक दे रखा है 1 लाख करोड़, डिमांड देखिए डाटा सब दे रखा है, ठीक है। आपसे टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम पहले आपको दिख जाए तो आप समझिए पहले कि ये किसका पार्ट है, ये M3 का पार्ट है ना। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस दिस, ओके, सो दिस इज इक्वल टू M3 माइनस M1, समझ रहे हैं आप। तो M3 आप निकाल लीजिए, M1 निकाल लीजिए, और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको टाइम डिपॉजिट बैंक सिस्टम मिल जाएगा। अब दोस्तों M1 तो आपको दिया हुआ है, यहाँ देखिए M1 दिया हुआ है, लेकिन आपको M4 दिया हुआ है ना, तो M4 होता क्या है बताइए। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कैसे सोचना है। M4 होता है M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट माइनस NSC, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप यहाँ से M3 निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको आगे बता रहा हूँ, देखिए समझिए। M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट माइनस एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप M3 निकालेंगे, और M3 निकालने के बाद यहाँ पुट करेंगे तो आपको टाइम डिपॉजिट मिल जाएगा। तो ऐसे सोचना है, आपका थॉट प्रोसेस ऐसे होना चाहिए। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो आपके पास ये तीनों इक्वेशंस हैं जिसको आपको यूज करना है। पहला इक्वेशन नंबर 1 ये है, दूसरा इक्वेशन नंबर 1 ये है, और तीसरा इक्वेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आप क्या करो कि टाइम डिपॉजिट विथ तीनों इक्वेशन को यदि आप पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला आएगा M4 माइनस M1 माइनस ऑल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग NSC, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला आएगा टाइम डिपॉजिट का। तो M4 आपका कितना है 7,50,000, M1 कितना है 4 लाख, और टाइम डिपॉजिट कितना है 50,000, क्योंकि NSC के बारे में कुछ अलग से डिटेल दिया नहीं हुआ है। देखिए तो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग NSC। यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि मैंने NSC को एक्सक्लूड कर चुका हूँ, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स
हमारा टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 लाख करोड़, ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3 लाख करोड़। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट इज अ पार्ट ऑफ। तो दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारा ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट होता है ये किसका पार्ट होता है, डिमांड डिपॉजिट का, टाइम डिपॉजिट का, आइदर ए और बी का, या इन ऑपरेटिव डिपॉजिट का। तो बताइए दोस्तों ये किसका पार्ट होता है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट का, तो ये मैंने आपको बताया है कि जो हमारा बैलेंस इन ओवरड्यू फिक्स डिपॉजिट होता है वो हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट का पार्ट नहीं होता है। जो ओवरड्यू मतलब जो फिक्स डिपॉजिट ओवरड्यू रह गया है उसका बैलेंस हमारा डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिकली हमारा एक केस स्टडी पे बेस्ड है, यहाँ से सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको फिगर दिया हुआ है 10 जून 2018 का, ठीक है, करेंसी विद पब्लिक दे रखा है, बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई दे रखा है, अदर डिपॉजिट आरबीआई दे रखा है, सब चीज़ करोड़ में है, ये सब डाटा आपको दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व मनी बताना है, रिजर्व मनी कितना होगा। रिजर्व मनी क्या होता है दोस्तों, M0 होता है। M0 के अंदर क्या क्या आता है मैंने बताया है कि आरबीआई के पास जो बैलेंस है वो प्लस CRR प्लस SLR, ठीक है। आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए M0 में होता है कि पब्लिक के पास जो करेंसी है वो, ठीक है, प्लस बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई है वो, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीनों आता है। तो पब्लिक के पास करेंसी है 17,482 प्लस बैंक डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई वो है 4,120, अदर डिपॉजिट आरबीआई 144, सभी को जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा 21,736। तो 21,736 देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इन्फ्लेशन कैन बी, अब देखिए इन्फ्लेशन पे आ जाइए, तो हम लोग हर एक टॉपिक को टच करते चल रहे हैं, आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा यदि आप इस पार्टिकुलर सेशन को देख रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, तो इस पार्टिकुलर लेसन को और भी दोस्तों के साथ और भी दूसरे CIB एस्पिरेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये एडवांटेज मिले, ताकि वो हर एक तरह के MCQ को प्रैक्टिस कर पाए एग्जाम से पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन्फ्लेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बताइए। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन में मैंने बताया था कि प्राइस और जो हमारा प्राइस होता है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है, और दोस्तों जो हमारा परचेजिंग पावर होता है वो घट रहा होता है, तो इसे ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ राइज इन जनरल प्राइस, ठीक है, और किस कारण से होता है कि जो हमारा गुड्स का जो डिमांड है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, और सप्लाई में क्या होना चाहिए, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप देखिए बी ऑप्शन में तो यही कर रहा है ना, बी में यही कर रहा है कि आपका डिमांड जो है, सप्लाई जो है वो घट रहा है, तो सप्लाई, योर सप्लाई इज डिक्रीजिंग वेयर एज डिमांड इज इंक्रीजिंग, ओके। सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, A, C and D आर रॉन्ग, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इससे ही हम लोग कहते हैं क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि डिमांड का इफेक्ट डिमांड के कारण हो रहा है ना, डिमांड के बढ़ने के कारण हमारा इन्फ्लेशन आ रहा है, तो दैट्स वाई सच टाइप इन्फ्लेशन इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने अपने पिछले लेसन में समझाया है दोस्तों, यदि आप नहीं जानते इसके पीछे का कंसेप्ट तो मेरे पिछले लेसन को देखिए। 2004 का CPI दे रखा है 200, 2005 का CPI दे रखा है 180, CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो आपसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन पूछा गया 2004 से 2005 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो यू नो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला है CPI दिस ईयर, यानी इस साल जो CPI है वो, माइनस CPI लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का CPI अपॉन CPI दिस ईयर, सॉरी CPI लास्ट ईयर इंटू 100, ये फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का। तो दिस ईयर यानी कौन सा ईयर, हाँ 2005, और CPI लास्ट ईयर यानी 2004, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट होता है। तो 2005 में CPI कितना है 180, और 4 में कितना था 200, ठीक है। तो क्या क्या आप क्या करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे बताइए, तो देखिए आप लिखेंगे कि 180 लिखेंगे क्या, 180 माइनस 200 अपॉन 200 गुने 100, इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 20 अपॉन 200 गुने 100, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो मिलेगा माइनस 10। सो आप माइनस 10 देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपको समझ में आया माइनस 10 क्यों हुआ, तो यदि आपका फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए फिर से वही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 10% पर एनम,
और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है 10 लाख रुपया, तो रियल कैश फ्लो कितना होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे समझिए। इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। रियल कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है नॉमिनल कैश फ्लो अपॉन 1+ इन्फ्लेशन रेट। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेक्ट कितना वो कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है 10 लाख, तो नॉमिनल कैश फ्लो है अपना 10 लाख, ठीक है, और इन्फ्लेशन रेट कितना है अपना 10% है, तो 1.10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9,09,091। ओके, सो रियल कैश फ्लो इज 9,09,091, सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फ्लेशन रेट इज 5%, इन्फ्लेशन रेट दे रखा है 5% और रियल रेट दे रखा है 3%, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना होगा? देखिए यहाँ पे तीन रेट है, एक है इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई का दर है, और जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? इसका मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप लोग नोट करते चलिएगा। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट है 3%, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो 3+5 यानी कि 8, तो 8 हो जाएगा हमारा नॉमिनल रेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल रिलीजिंग द डाटा रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट द CPI बेस्ड। देखिए ये बेसिकली केस स्टडी है, बहुत बढ़िया केस स्टडी है, इसे मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो डाटा गवर्नमेंट रिलीज करती है इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, वो डाटा रिलीज किया गया और क्या देखा गया कि जो CPI है वो बढ़ गया है 11%, यानी CPI बढ़कर हो गया कितना, 11%। चलिए फिर क्या कर रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इंक्रीज टू 8%, यानी WPI बढ़कर हो गया है 8%। चलिए ये भी समझ लिए। गवर्नमेंट क्लेम्स दैट ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक्स बायपार्टाइट सेटलमेंट देयर इज इंक्रीज इन डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइसेस। तो गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि जो बायपार्टाइट सेटलमेंट हुआ इस कारण से डिमांड्स ऑफ गुड बढ़ गया, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया, परचेसिंग पावर लोगों का बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया, इस कारण से प्राइसेस बढ़ गए। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किया है दोस्तों, जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है। और फिर दोस्तों क्योंकि आपको पता है ना डिमांड और इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि डिमांड यदि बढ़ेगा तो हमारा चीज़ का क्या होगा, अवेलेबिलिटी कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है फर्दर ड्यू टू इंक्रीज वेजेस एंड सैलरीज देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट लीडिंग टू इंक्रीज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये डाटा आपको दी गई है, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना है इस इन्फॉर्मेशन पे। पहला, द इन्फ्लेशन कॉस्ड बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन एट पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 में जो इन्फ्लेशन आया है, जो काउज दिया गया है, उसके कारण जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको नहीं कहते, इज नॉट कॉल्ड एज, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, इज नॉट कॉल्ड एज कोर इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अंतर क्लियर होना चाहिए। देखिए नाम ही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण, बेसिक रीजन क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बेसिक कारण है कि आपका डिमांड बढ़ जाना, ठीक है, डिमांड सप्लाई से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो शॉर्टेज होने लगेगी और प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो वही कारण है। और जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, उसका नाम ही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों जरा सा ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 3 को पढ़िए, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हुआ क्या, यहाँ पे बायपार्टाइट सेटलमेंट हुआ जिस कारण से डिमांड बढ़ा, और डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा। तो दोस्तों ये तो हमारा डिमांड पुश इन्फ्लेशन है ना, ठीक है, और इसे ही हम लोग कोर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नॉट कॉल्ड, तो नॉट कॉल्ड यानी क्या नहीं कहते हैं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इज नॉट कॉल्ड एज, तो दोस्तों नॉट कॉल्ड एज हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। वेट, यहाँ पे एक मिस्टेक है दोस्तों इस क्वेश्चन में, हाँ सही है, इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, ठीक है, इसे क्या नहीं कहते हैं हम लोग, क्वेश्चन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, इसे हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 मतलब कि सही है, तो ये गलत होगा इसमें, तो ओनली 1 और 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन हम लोग आगे देखेंगे, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आपको इस समय क्यों ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8% रिप्रेजेंटेड बाय होलसेल प्राइस इज कॉल्ड। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा 8% था ना इन्फ्लेशन रेट, जो कि होलसेल प्राइस रिप्रेजेंट कर रहा था, उसे क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जो WPI होते हैं उसमें एक हेडलाइन WPI होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, हेडलाइन WPI, ये मैंने समझाया है पिछले लेसन में, आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाके देखिए, मैंने आपको WPI का कंपोनेंट भी समझाया था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है कि
हमारा प्राइमरी प्राइमरी प्लस फ्यूल प्लस फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेडलाइन। और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमारा WPI होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो ये कोर इन्फ्लेशन होता है। कोर का मतलब कि हम लोग फूड, देखिए जब मैं कोर कर रहा हूँ तो इसमें हम लोग फूड और फ्यूल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब मैंने आप पिछले लेसन में समझाया है, यानी कि फूड और फ्यूल को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे हम लोग नहीं ले रहे हैं। यानी फूड और फ्यूल क्या होता है हमारा, मैंने नॉन फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फूड के हैं उसे हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, और हेडलाइन WPI में क्या होता है, सभी चीज़ लेते हैं हम लोग। तो कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला में बताया था कि हेडलाइन WPI माइनस फ्यूल और फूड वाला को माइनस करके, तो जो 8% का इन्फ्लेशन रेट है वो किसे शो कर रहा है, वो हेडलाइन को शो कर रहा है दोस्तों। वो हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि WPI, हेडलाइन WPI का पार्ट है। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द इन्फ्लेशन रेट 11% रिप्रेजेंटेड बाय कंज्यूमर प्राइजेस। अब दोस्तों 11% जरा देखिए तो क्या है, ठीक है, आइए जरा देखते हैं 11% क्या था। जरा क्वेश्चन को देखिए, 11% था CPI, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा बढ़कर हो गया CPI, ठीक है। तो 11% में क्या कर रहा है कि ये हमारा क्या है, तो 11% है अपना कोर इन्फ्लेशन, ओके। सो दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए, दिस इज कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31, द इन्फ्लेशन कॉज बाय द इन्फॉर्मेशन गिवन एट पॉइंट नंबर 4 इज नॉट कॉल्ड एज, यहाँ पे देखिए नॉट कॉल्ड लिखा हुआ है। तो इन्फ्लेशन जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 को जरा देखिए एक बार, पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा था, पॉइंट नंबर 4 में कहा था कि वेजेज एंड सैलरीज बढ़ गया, ठीक है। तो उस कारण से क्या हुआ कि इनपुट का ऑब्वियसली बात है, यदि वेज और सैलरी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, WPI बढ़ेगा, जो कि बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा इन्फ्लेशन का कॉज है ये, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ये हमारा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है और वही इन्फ्लेशन को कॉज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 तो होगा इसका आंसर, लेकिन नॉट कॉल्ड है तो इसीलिए 1 और 2 होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्यों ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है दोस्तों, बताइए इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग पावर क्या होता है। अब मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 50 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पहले आपको 50 रुपये देना पड़ता था, ठीक है, और पहले 50 रुपये देते थे, अब बढ़कर उसका दाम हो गया 70 रुपया, ठीक है। तो महंगाई हुआ ना, वो चीज़ महंगा हुआ ना। तो अब दोस्तों अब प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो आप बताओ प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, आप समझिए ऐसे कि समोसा, पहले आपको पता है ना समोसा आपको 2 रुपये में मिल जाता था एक समोसा, लेकिन अब एक समोसा आपको 10 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। तो आपका परचेजिंग पावर ऑफ मनी घट गया ना, ये इन्फ्लेशन का ही तो कारण है। तो जब भी हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगा, घटेगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप समोसा का एग्जांपल ले लो, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट है, ये सब कीवर्ड्स होते हैं क्योंकि हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला इट इज़ सस्टेन इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड, बिल्कुल सही, प्राइस इंक्रीज। अभी मैंने बताया आपको कि कोई प्रोडक्ट था जिसका दाम 50 रुपया था, बढ़कर हो गया 70 रुपया, ठीक है। तो यही तो हमारा प्राइस इंक्रीज है, और ये इसी कारण हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। सो दिस कॉज व्हाट, दिस कॉज इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इट इज सस्टेन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन रेट्स टू इरोजन इन परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये भी सही है, परचेजिंग पावर घटता है हमने देखा है। और इन्फ्लेशन ऑलवेज हैज ओनली नेगेटिव इफेक्ट, ये गलत है दोस्तों। इन्फ्लेशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं बताएंगे आप एक दो। देखिए इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट में यदि बात करें तो हमारा जो रिसेशन का पीरियड होता है ना, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों रिसेशन होता क्या है, जो हमारा बिजनेस साइकिल है वहाँ पे हम लोग रिसेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण जो रिसेशन का पीरियड होता है ना वो खत्म होता है, तो ये हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। और एक और है कि डेब्ट से रिलीफ भी होता है दोस्तों, जो हमारा डेब्ट कर्ज होता है, कर्ज माफ़ी, ठीक है। तो डेब्ट से रिलीफ भी एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के कारण हमेशा नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी तो गलत है, तो नॉट करेक्ट करा तो सी नंबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, व्हेन डिफ्लेशन ऑकर, आप देखिए अभी तक इन्फ्लेशन का बात हो रहा था, अब हो रहा है बात डिफ्लेशन का, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन। तो हमने इन्फ्लेशन में क्या देखा बताइए, इन्फ्लेशन में हमने देखा कि प्राइस हमारा बढ़ता है, परचेजिंग पावर जो है वो घटता है, ठीक है। ये हम लोगों ने इन्फ्लेशन में देखा, तो डिफ्लेशन में क्या होगा बताइए, तो डिफ्लेशन में प्राइस जो है वो घटेगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ये गलत है। परचेजिंग पावर क्या होगा, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगा, तो सी भी गलत है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट और ये एवरेज प्राइस लेवल, तो दोस्तों प्राइस लेवल ये तो हो गया, प्राइस लेवल घटेगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे देखते हैं, व्हेन इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द राइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वे आर नॉट सुटेबल अटेंडेंस, तो इसे क्या कहते हैं बताइए, तो इसे हम लोग कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो बढ़ गया, उस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसे हम लोग कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अ न्यू टेक्नोलॉजी, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक नया टेक्नोलॉजी आया जो कि एम्प्लॉय के इलनेस को रिड्यूस कर दिया, इस कारण से क्या घटेगा बताइए, एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय जो मान लीजिए बीमार होते थे एम्प्लॉय, ठीक है, अब वही घट गया, ठीक है, तो इस कारण से किस पे इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड वाले पे इफेक्ट पड़ेगा या कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा या किसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब जरा सोचिए आप, ठीक है। बताइए दोस्तों, यदि मान लीजिए, आप देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ना चाहिए, आप ऐसे समझिए कि जो हमारा जो देखिए ऐसे समझिए इसे, हमारा यदि मान लीजिए कि एम्प्लॉय इलनेस कम एम्प्लॉय बीमार होंगे तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा ना दोस्तों, हमारा जो प्रोडक्शन का आउटपुट है वो बढ़ेगा, और आउटपुट यदि बढ़ेगा यानी हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हमारा प्राइसेस जो है वो जो वो भी न्यूट्रल रहेगा, है ना, वो बढ़ने का तो चांस नहीं है, और प्राइस जब बढ़ता है तभी तो इन्फ्लेशन आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को ऐसा कोई टेक्नोलॉजी ले आए जिससे हमारा एम्प्लॉय कम इल हो रहे हैं, तो उस कारण से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, इस कारण से हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो घटेगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8% रिप्रेजेंटेड बाय होलसेल प्राइस, इसे क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, सो इट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज कोर इन्फ्लेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है होलसेल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इन्फ्लेशन को, तो दिस कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड होलसेल इन्फ्लेशन, ओके, सो दिस थिंग शुड बी क्लियर, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज ड्यू टू, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का आपको रीजन पूछ रहा है कि आखिर ये क्यों होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पहला है मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड, ऑल ऑफ द अबव। अब दोस्तों देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि डिमांड एक्सेस होना या एग्रीगेट डिमांड होना, ठीक है, सो एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, सो जब भी हमारा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, सो ऑप्शन सी विल इज द करेक्ट आंसर, एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, अ राइज इन जनरल प्राइस, अब देखिए प्राइस बढ़ रहा है, किस कारण से प्राइस बढ़ रहा है, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, इस कारण से प्राइस बढ़ा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं बताइए, प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ा, तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, सो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेसन में डिस्कस किए हैं दोस्तों, यदि आपको इस तरह का PDF चाहिए तो PDF जो है वो पेड PDF है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए आप मुझे नीचे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको जितने भी MCQs के लेसन में बना रहा हूँ अपने इस वीडियो चैनल अपने लेसन पे, वो आपको उसका कंटेंट मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इराक में वार हुआ, ठीक है, जिस कारण से ऑयल प्राइस जो है बढ़ने लगा, ठीक है, जिस कारण से ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ने लगा, तो ये कैसा इन्फ्लेशन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब ऑयल प्राइस यदि बढ़ेगा, ठीक है, तो ये सब की इनपुट्स है ना, ये सब हमारे क्या इनपुट्स हैं, जैसे कि ऑयल प्राइस हुआ, ठीक है, तो प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा कि उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आउटपुट सप्लाई को, तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे आउटपुट सप्लाई को, ठीक है, अब आउटपुट सप्लाई को एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा कि आउटपुट हमारा घटेगा, आउटपुट क्या होगा, घटेगा, और आउटपुट घटेगा क्योंकि हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट प्रेशर हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, प्राइस जो होगा बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा, ऐसे समझिए, देखिए कैसे लिंक है आपस में, ऑयल जो है वो एक बेसिक इनपुट है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ का, तो यदि इनपुट ही का प्राइस ही बढ़ रहा है तो आपको क्या होगा, आउटपुट हमारा घटेगा,
आउटपुट घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको मैं एग्जांपल के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब देखिए, इन्फ्लेशन आपको, सॉरी, इन्फ्लेशन निकालना है जब को प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है करंट ईयर का 25 और बेस ईयर का 20। तो दोस्तों आपको पता है ना, ये जो प्राइस इंडेक्स होते हैं, ये हमारे इन्फ्लेशन निकालने का क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो हम लोग प्राइस इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं किस टर्म में, प्राइस इंडेक्स के टर्म में। सो इफ यू नो प्राइस इंडेक्स, वी कैन कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज प्राइस इंडेक्स, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, प्राइस इंडेक्स, ठीक है, करंट ईयर का, करंट ईयर माइनस प्राइस इंडेक्स बेस ईयर, ठीक है, अपॉन प्राइस इंडेक्स बेस ईयर, ठीक है, इनटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा इन्फ्लेशन निकालने का। ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए, प्राइस इंडेक्स इन करंट ईयर कितना है, 25 है। ठीक है, 25 है हमारा करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 20 है। तो आप इसे निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 25%। ओके, इन्फ्लेशन 25 इन्फ्लेशन आपका आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स मेजर द प्राइस एट रिटेल लेवल। तो रिटेल लेवल पे कौन सा प्राइस इंडेक्स आपके प्राइस को मेजर करता है? होलसेल, WPI, CPI, प्रोड्यूसर प्राइस। तो ये दोस्तों CPI होता है। CPI जो है बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि CPI जो है प्राइस को मेजर करता है किस लेवल पे, रिटेल लेवल पे। ओके, सो यदि आप इस पार्टिकुलर MCQ सेशन को कर रहे हैं और बाकी मेरे MCQ सेशन को करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको समझाने का। तो CPI जो है वो हमारा प्राइस लेवल को मेजर करता है रिटेल लेवल पे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इन्फ्लेशन ऑन प्राइस इंडेक्स विच टेक्स इन टू अकाउंट द प्राइस ऑफ फूड्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड। तो फूड और एनर्जी को जो लेकर चलता है, प्राइस के प्राइसेस को जो लेकर चलता है इन्फ्लेशन, उसे क्या कहते हैं? हेडलाइन इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। अब देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया ना, फूड वाला किस में नहीं आएगा? हेडलाइन में नहीं आएगा। ठीक है, फूड वाला जो है कोर में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, कोर में नहीं आता है फूड वाला। तो फूड वाला हमारा हेडलाइन में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए नंबर सही होगा। कोर में केवल क्या आता है, कोर में हेडलाइन में से फूड और एनर्जी को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और बी सी तो ऐसे ही ऑप्शन बनाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स होता है। ठीक है, ये सो होगा नहीं, कोर इन्फ्लेशन होगा, सॉरी, हेडलाइन इन्फ्लेशन होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइस इंडेक्स यूज इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आप देखिए, कोई पॉलिसी बनाना है। ठीक है, एक तो मैंने बताया रिटेल, तो रिटेल पे मैंने क्या बताया, CPI होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। लेकिन यदि पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, ठीक है, तो उस केस में हमारा कौन सा इन्फ्लेशन काम आता है? तो उस केस में हमारा WPI काम आता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जितने भी नए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए गए हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इकोनॉमी में, उसके मेजर को कौन सा इन्फ्लेशन मेजर, कौन सा प्राइस इंडेक्स मेजर करता है? दोस्तों ये तीनों के तीनों प्राइस इंडेक्स हैं, WPI, GDP डिफ्लेटर और हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दोस्तों जितने भी नए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, तो वो हमारे किस पे बेस्ड होते हैं? GDP डिफ्लेटर पे। वो GDP डिफ्लेटर कैलकुलेट करता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे WPI है वो नहीं करते, CPI नहीं करते, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडेक्स यूज मोस्ट ऑफन टू मेजर इन्फ्लेशन इज। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए, CPI है, WPI है, SPI है, PPI है, किसे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इन्फ्लेशन को निकालने के लिए? ये आपके बुक में लिखा गया है दोस्तों कि जो हमारा WPI होता है वही होता है हमारा की। ठीक है, बुक में क्या वर्ड लिखा गया है, दिस इज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। WPI जो है वो हमारे इन्फ्लेशन का की मेजर है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेक्स रिफ्लेक्ट द चेंज इन लेवल ऑफ प्राइस, विच इंडेक्स रिफ्लेक्ट द चेंज इन लेवल ऑफ प्राइस ऑफ बास्केट एज अ होल। ठीक है, तो कौन सा इंडेक्स जो है हमारा प्राइस बास्केट ऑफ गुड्स है, उसके प्राइस के लेवल को चेंज को शो करता है? GDP डिफ्लेटर। तो दोस्तों GDP डिफ्लेटर को बास्केट ऑफ गुड्स से मतलब ही नहीं है। ठीक है, GDP डिफ्लेटर नॉट बेस्ड ऑन द, ऑप्शन ये तो गलत है। WPI ये सही है, CD नहीं गलत है, बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिलीज WPI इंडेक्स। WPI का फिगर कौन रिलीज करता है? तो ये मैंने बताया था आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन डी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये हमारा WPI की इन्फॉर्मेशन को रिलीज करते हैं, और बेस ईयर याद रखिएगा 2004 से 2005। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द करेंट बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो बेस है 2004 से 2005। ठीक है, दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे कर रहा है ना कि द इंडेक्स यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। तो दोस्तों देखिए, समझिए बात को, इसका आंसर WPI नहीं होगा, इसका आंसर होगा CPI। ठीक है, पहले WPI था, लेकिन 2014 के बाद, बुक में लिखा हुआ है 2014 के बाद CPI जो है वो हो गया है हमारा की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 47 का करेक्ट आंसर है दोस्तों, 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले था WPI, लेकिन अब चेंजेस आ गए हैं, तो ए नंबर आंसर होगा। ये बुक में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द करंट बेस ईयर। तो करंट बेस ईयर कितना है, 11-12। ठीक है, बुक में 4-5 दिया हुआ है, यदि आप लोग नए बुक को देख के बताइए कि इसका करंट बेस ईयर कितना है, 11-12 है या 4-5 है, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 11-12 होगा या 4-5 होगा। बुक में 4-5 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, GDP डिफ्लेटर के बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक टेबल दे रखा है, 2014-15 का नॉर्मल GDP डिफ्लेटर 15-16 का इतना है और GDP डिफ्लेटर इतना है। तो 2013-14 का GDP डिफ्लेटर आपको 100 दिया हुआ है, तो रियल GDP 15-16 का कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पहले आपको GDP डिफ्लेटर का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला पता है ना। ठीक है, ये होता है हमारा नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, यानी N अपॉन G। ठीक है, तो N अपॉन G ये होता है हमारा GDP डिफ्लेटर। आपसे रियल GDP पूछा गया कब का, 15-16 का। तो 15-16 का ही आप GDP डिफ्लेटर लीजिए ना, तो 15-16 का GDP डिफ्लेटर कितना है बताइए। तो 15-16 का GDP डिफ्लेटर है आपके पास 145। ठीक है, तो 145 और ये हो गया GDP डिफ्लेटर। आपसे रियल GDP पूछा गया, नॉर्मल GDP कितना है 15-16 का, 3,3200। ठीक है, अपन R, तो यहाँ से R निकाल लीजिए। ठीक है, तो 3200 अपन 145 हो जाएगा। तो वही तो देखिए मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया 3200 अपन 145 गुने 100 क्यों है, ये मैंने अभी समझाया है दोस्तों। आई हैव एक्सप्लेन दिस। सो दिस विल बी 2207। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ GDP डिफ्लेटर इन 2013-14 इज 100, देन रियल GDP ऑफ 2014-15 इज। अब देखिए, 2014-15 का आपको GDP डिफ्लेटर रियल GDP निकालना है। 2014-15 का GDP डिफ्लेटर कैसे निकालेगा, तो देखिए नॉमिनल और GDP पता है, रियल नहीं निकाल, 2500/120, 2500/120। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2083 द ग्रोथ रेट ऑफ रियल GDP फ्रॉम 2014-15। अब ग्रोथ रेट कैसे निकालेगा, तो ग्रोथ रेट निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपन ओल्ड वैल्यू। ठीक है, तो ग्रोथ रेट हमेशा डिपेंड करेगा रियल GDP पे। तो रियल GDP ले लीजिए 15-16 का, क्योंकि ये रियल है, नॉमिनल नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.95%। ये चीज़ इतना चेंज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन रेट इन 2015 रिलेशन टू 2014-55। अब इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालिएगा, तो इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए मैंने बताया है ना कि GDP डिफ्लेटर है क्या, GDP डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स ही तो है, और इन्फ्लेशन रेट जब भी निकालना हो तो प्राइस इंडेक्स का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं, प्राइस इंडेक्स का। और इस केस में प्राइस इंडेक्स हमारा क्या है, इस केस में प्राइस इंडेक्स है अपना GDP डिफ्लेटर। तो GDP डिफ्लेटर का हेल्प लेके आप इन्फ्लेशन रेट को निकाल सकते हैं। आप क्या कीजिए कि 15 का GDP डिफ्लेटर लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ, 15 का GDP डिफ्लेटर मैंने लिखा है यहाँ, देखिए 15 का GDP डिफ्लेटर मैंने लिखा है ना 120। ठीक है, ये हो गया, और 2014 का लिखा 145 अपॉन 120, तो ये आपको मिल जाएगा 20.83। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर GDP डिफ्लेटर, बताइए GDP डिफ्लेटर करेक्ट फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। ओके, सो ऑप्शन सी विल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए मैं लाया हूँ दोस्तों, समझिए यहाँ एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह से केस स्टडी पूछा जा सकता है, 2006 में क्वांटिटी वर्सेस प्राइस दिया हुआ है, बैट 50 क्वांटिटी 100 रुपया, बॉल 25 क्वांटिटी 75 रुपया, विकेट 50 क्वांटिटी 40 रुपया। ठीक है, 2007 में देखिए 70-90, 30-100 और 40-50। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले आपको नॉमिनल GDP निकालना है,
2006 और 2007 का, ठीक है। फिर रियल जीडीपी निकालना है, फिर ग्रोथ रेट निकालना है, फिर जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है, फिर इन्फ्लेशन रेट निकालना है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आइए दोस्तों हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स देखिए, नॉमिनल जीडीपी 2006 का कैसे निकालिएगा। तो नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए क्या करना होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करना होगा। देखिए प्राइस इंटू क्वांटिटी कैसे करेंगे, तो आपके पास कौन कौन सा आइटम्स है ये बताइए। आपके पास आइटम है, तीन आइटम है, एक बैट बॉल और विकेट। तो क्या कीजिए कि ये जो 50 है ना, ठीक है, ये जो 50 है इसको 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। जीडीपी का मतलब आपको पता है ना, जीडीपी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस डोमेस्टिकली, ठीक है। तो 50 गुने 100, 25 गुने 75 और 50 गुने 40, ठीक है। आप सबको जोड़ दीजिए, देखिए मैंने यहाँ किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 गुने 100, यहाँ देख सकते हैं आप, इसे समझिए, 50 गुने 100, 25 गुने 75 और 50 गुने 40, सबको जोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा 8875। ये हमारा हो गया नॉमिनल जीडीपी 2006 का, ठीक है। अब नॉमिनल जीडीपी 2007 का निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, फिर से आ जाइए यहाँ पे। तो 2007 का निकालने के लिए 70 गुने 90 प्लस 30 गुने 100 प्लस 40 गुने 50, ठीक है। देखिए वही किया है मैंने, ठीक है। तो इसका हमको मिल जाएगा 11300। तो आपने नॉमिनल जीडीपी 2006 का भी निकाला, 2007 का भी निकाल लिया। अब रियल जीडीपी निकालते हैं, तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे इसे समझिए, ठीक है। तो रियल जीडीपी आपसे किस किस साल का पूछा गया, 2007 का पूछा गया है ना, ठीक है। तो 2007 का कैसे निकालेंगे रियल जीडीपी। तो दोस्तों 2007 का जो रियल जीडीपी होगा वो हमारा होगा 70 गुने 100, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है मैं सभी में समझाता हूँ। रियल जीडीपी जो होता है उसका फॉर्मूला पहले समझिए। रियल जीडीपी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है रिलेट्स टू मनली प्राइस एंड क्वांटिटी। रियल जीडीपी क्या होता है कि करंट क्वांटिटी इंटू प्रीवियस ईयर प्राइस, ये ध्यान रखना है। अभी का क्वांटिटी लेना है लेकिन प्राइस लेना है प्रीवियस ईयर का। तो जैसे 2007 का निकालना है ना, जैसे मान लीजिए कि बैट का निकालना है आपको, तो अभी का क्वांटिटी कितना है 70 है, लेकिन प्राइस कितना था, प्राइस प्रीवियस ईयर का लेना है यानी 100 रुपया लेना है, ठीक है। फिर उसी तरह आप आ जाइए बॉल पे, तो बॉल का कितना है क्वांटिटी 30 है, लेकिन प्राइस कितना लेंगे हम लोग 75 लेंगे, ठीक है। फिर विकेट है, तो विकेट का क्या करेंगे 40 गुने 40, ठीक है। प्राइस लेंगे पिछले साल का, तो इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो इसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,850। कितना मिल जाएगा 10,850। तो आप समझ रहे ना कैसे नॉमिनल निकालते हैं कैसे रियल निकालते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन था जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है 2006 का। तो क्या कीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी 2006 का लिख दीजिए, रियल जीडीपी 2006 का लिख दीजिए, गुने 100 लिख दीजिए। देखिए 2006 का जो रियल जीडीपी होगा ना वो नॉमिनल जीडीपी बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले का कोई ईयर है ही नहीं, तो इसी ईयर को लेंगे ना, समझ रहे हैं बात को। तो 8875 बटे 8875 गुने 100 यानी कि ये 100 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 2007 का जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो दोनों में वेरिएशन है, ठीक है। आपका नॉमिनल जीडीपी 11,300 है, लेकिन रियल जीडीपी जो है वो आपका है 10,850, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 104.14। अब एक आपको लास्ट में इन्फ्लेशन निकालना था, तो इन्फ्लेशन का मैंने फॉर्मूला बताया है ना, परसेंटेज चेंज ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो बेस ईयर और करंट ईयर का, तो आपको मिल जाएगा 4.14%, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं और जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेंगे। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी यदि बराबर हो तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो दोस्तों 100 हो जाएगा, यानी कि आप परसेंटेज ना कहकर तो 1 का मान लोगे, तो बी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज नॉट अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ प्राइस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आया नहीं है। तो देखिए जो हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है ना, तो वो होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर होता है, लेकिन यहाँ नॉट कर रहा है, तो WPI नहीं होगा, CPI नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा इसका, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीडीपी डिफ्लेटर। द जीडीपी डिफ्लेटर इज अ मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय 100। बताइए दोस्तों सही है कि गलत है। हाँ ये गलत है ना, नॉमिनल अपॉन रियल होता है। तो नॉमिनल जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी अनजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ट्रेंड इन द जीडीपी डिफ्लेटर आर सिमिलर टू चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच इज डिफरेंट वे ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन। बताइए क्या सही होगा। तो दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट्स, नॉमिनल बाय ये कह रहा है रियल बाय नॉमिनल, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको कह रहा है कि ये रियल बाय नॉमिनल कह रहा है, एक्चुअली में ये नॉमिनल बाय रियल होता है, ठीक है।
ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्चुअली में यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही है, तो क्वेश्चन सही कर लीजिए, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर लेस देन वन, अब मान लीजिए कि जीडीपी डिफ्लेटर वन से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका बी। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है, नॉमिनल अपॉन रियल होता है, ठीक है, तो यदि आपको रेशियो वन से कम लाना है तो रियल जीडीपी को ज़्यादा होना पड़ेगा ना नॉमिनल जीडीपी से, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस घट गया और डिफ्लेशन हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा पता है कि हमारा रियल जीडीपी जो है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा प्राइस घटा और डिफ्लेशन हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने इंजॉय किया होगा, तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का और वीडियो लेसन लाऊं, तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम पर लिखिए CAIB मेड सिंपल, ठीक है, क्या लिखिएगा, CAIB मेड सिंपल, ठीक है, आप सर्च बॉक्स में लिखिए CIB मेड सिंपल, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे क्विज में आपको कराता हूँ, डेली बेसिस पे मैं आपको क्विज देता हूँ, जो कि एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, और यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन की PDF चाहिए तो नीचे आपको एक नंबर मिलेगा, जिस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर इस तरह के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पेड PDF। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले लेसन में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।